नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति, समझ जाइए कि आपकी किस्मत बनाने का दिन, आपके जीवन को संवारने का दिन और साथ ही साथ घर परिवार के अंदर खुशियां लाने का दिन माना जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भक्त मालामाल होना चाहता है, मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भक्त भगवान सूर्य देव की मनोकामना पाना चाहता है, तो समझ जाइए कि उसका कार्य बन जाएगा और निश्चित तौर पर लक्ष्मी कुबेर उस घर के ऊपर धन की बारिश करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको मकर संक्रांति के दिन छोटे छोटे उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि संख्या में 7 से 8 उपाय है। अगर दोस्तों आप सच्चे मन से इन उपाय को करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको धन लाभ, वैवाहिक जीवन के अंदर शांति, सौभाग्य की प्राप्ति और घर परिवार के अंदर ऐश्वर्य बना रहता है और घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन उपाय की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट के अंदर आप जय सूर्यदेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, बात करते हैं आपको उन उपायों के बारे में। दोस्तों, मकर संक्रांति, सबसे पहले तो आपको सुनकर ही इस बात का आपको जरूर ध्यान होगा कि दान पुण्य का यह दिन माना जाता है और इस दिन सबसे ज़्यादा दान पुण्य किया जाता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आप तिल का दान कीजिए, गरीबों को अन्न का दान कीजिए, गरीबों को वस्त्र का दान कीजिए। जो दोस्तों व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन दान करता है, समझ जाइए कि उसका भाग्य उज्जवल हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान करने वाला व्यक्ति अपने आप में ही करोड़ों का मालिक बन जाता है और उसके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता। तो सबसे पहले तो मकर संक्रांति के दिन आपको दान पुण्य जितना ज़्यादा आपसे हो सके वह दान पुण्य आपको करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों आपको 11 दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आपके आसपास कोई भी पानी का स्थान हो, जैसे कि नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पनगट पोखर या कोई भी पानी का स्थान हो, और दोस्तों अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आपके पास कोई ऐसा स्थान नहीं हो, तो दोस्तों आपके घर के अंदर पानी का टांका या टंकी तो ज़रूर होगा, वहां पर जाकर आप एक दीपक के अंदर 5 दीपक जलाएं। ऐसा करके मतलब कि दीपक तो एक ही लें लेकिन उसके अंदर 5 बाती जलाएं। ऐसा करते हुए 2 दीपक के अंदर 10 बाती और एक अलग दीपक, इसे 11 दीप दान कहा जाता है। उसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना है कि एक दीपक के अंदर आपको तिल का तेल डालना है, दूसरे दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है और तीसरे दीपक के अंदर दोस्तों आपको घी डालकर आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, इसे दीप दान कहा जाता है। सबसे उत्तम तो है आप नदी, तालाब, पोखर में प्रवाहित करते हैं और आज का समय बदल गया है तो आप इसे अपने घर के पानी के स्थान पर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों कहा जाता है कि इसे मकर संक्रांति के दिन तिल जलाना कहा जाता है। और दोस्तों, जब मकर संक्रांति के दिन तिल का तेल जलाया जाता है तो आपके आसपास की बड़ी से बड़ी समस्याएं, किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता या फिर ऐसी चीजें जो आपके परिवार को प्रभावित करती है, आपके परिवार के अंदर खुशियां आने से रोकती है, मकर संक्रांति के दिन वह सारी चीज़ें वहीं पर जलकर समाप्त हो जाती है और आपको किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाती है, इसीलिए इसका विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं है और आप चाहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद आपके घर परिवार के अंदर गरीबी नहीं रहे, तब आप एक काम कीजिए कि अपने आटे के अंदर आप तिल और गुड़ मिला दें। दोस्तों, घर के अंदर जो आप आटा मकर संक्रांति के दिन सुबह, शाम या दोपहर किसी भी समय ओसानते हैं, उस समय आपको क्या करना चाहिए, आटा लगाते समय उसके अंदर हल्के से काले या सफ़ेद तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उसकी आप रोटियां बना लें। और रोटियां बनाने के बाद आप क्या करें, जो व्यक्ति घर का मुखिया हो या जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया है, उसके माथे से 7 बार उन रोटियों को ओसार लें और ओसारने के तत्पश्चात आप क्या करें कि उन रोटियों को, सबसे पहले आपको कोई भूरी गाय मिल जाती है या काली गाय मिल जाती है, मकर संक्रांति के दिन धन मनोकामना मांगते हुए गाय के माथे पर हाथ फेरते हुए उनके कानों के अंदर आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना बोलकर आप गो माता को खिला दें। दोस्तों, आप देखेंगे जैसे ही आप खिलाकर अपने घर आते हैं, दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जहाँ भी आप रोटी खिलाएं, रास्ते में आप बात करने के लिए ना तो किसी से रुके या ना किसी प्रकार की कोई आप कहीं पर किसी से इस बारे में बात करें, चुपचाप आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। दोस्तों, आप देखेंगे कि घर पर आने के तत्पश्चात ही आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, आपके घर परिवार के अंदर नकारात्मकताएँ
कोसों दूर चली जाती है और भगवान की कृपा से घर परिवार के अंदर उत्तम चीज़ें देखने को मिल जाती है इस उपाय को करने मात्र से ही। तो आप यह उपाय जरूर कीजिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों मकर संक्रांति सर्दियों का समय माना जाता है और इस समय दोस्तों ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती है। तो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन कंबल का दान करना, विशेष तौर से समझ जाइए, किसी प्यासे को पानी पिलाने या मरते को बचाने के समान माना जाता है। तो जो इस दिन मकर संक्रांति के दिन आप गरीब घरों का या गरीब व्यक्तियों का चयन करें, गरीबों को आप कंबल बांटें ज़्यादा या फिर गर्म वस्त्र बांटें ताकि उनके शरीर को आप ऊर्जा प्रदान करें और दोस्तों वह ऊर्जा आपके भविष्य को बनाने में सहायक होती है। या फिर दोस्तों आप गौ माता को इस दिन हरी घास खिलाएं, गौ माता को इस दिन आप दान पुण्य करें और साथ ही साथ इस दिन दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तिल से जुड़ी चीज़ें आप खिलाएं। निश्चित तौर पर देखेंगे कि आपकी किस्मत चमक जाती है, आपकी किस्मत के सितारे बुलंद हो जाते हैं और किसी प्रकार की कोई गतिविधि या गलत चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है, बस मात्र इस उपाय को करने से ही। इसी तरह दोस्तों मकर संक्रांति के दिन एक और है कि आप घर के अंदर ही गुड़ के और काले तिल के साथ लड्डू बना दें और दोस्तों उन लड्डू को बनाकर सबसे पहले तो आप भगवान सूर्य देव की पूजा में उन लड्डुओं को रखें। दूसरा आप अपने घर के अंदर लक्ष्मी नारायण या फिर दोस्तों आपके आसपास कहीं शनि मंदिर है तो वहां पर एक सरसों के तेल के दीपक के साथ ही वह लड्डू भी वहां पर चढ़ाकर आना चाहिए और दोस्तों बाकी जो लड्डू बचते हैं उसे काले कपड़े के अंदर बांध कर आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ कम से कम अगली एकादशी तक आपको बांध देना चाहिए। और दोस्तों जैसे ही आप बांधते हैं आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर जो नकारात्मक शक्ति होती है वह तो आपके आसपास ही नहीं भटकती, वह तो आपके द्वार पर ही जलकर समाप्त हो जाती है और आपको किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती। और दूसरा दोस्तों यह होता है कि यह तिल संक्रांति का तिल आपके घर के अंदर अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने का कार्य करता है, आपके घर के अंदर देवी देवताओं को आकर्षित करता है और इसे आपके घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है और आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार की कोई बाधाएं आ रही थी तो दोस्तों उसको भी दूर करने का यह चीज कार्य करती है। तो आप इस उपाय को करके देखिए, निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर फायदा देखने को मिल जाएगा और देवी देवताओं की असीम कृपा आपके घर परिवार के ऊपर इस उपाय को करने से रहती है। तो दोस्तों इस उपाय को करके आप इसका फायदा देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों। कमेंट के अंदर ओम सूर्य देव जरूर लिखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो।